दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप बैटिंग कर रहे हो और वहां पे आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है तो वहां पे आपने प्रेशर से निकालना है किस तरह। तो आज इस वीडियो में मैं यही कुछ बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रेशर क्यों आता है और कब आता है और कौन से टाइम पे प्रेशर आ जाता है दोस्तों बैटिंग करते टाइम ऐसे टाइम पे प्रेशर आ जाता है दोस्तों, रन ज़्यादा बनानी पड़ती है और गेंद कम बचे होते हैं दोस्तों अगर मान लीजिए दोस्तों आपके पीछे बैट्समैन है तो तब आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता है दोस्तों क्योंकि आपके पीछे एक बैट्समैन और है दोस्तों। अगर आप पैर आउट हो जाते हो तो आपके पीछे एक और बैट्समैन है दोस्तों, वो आगे रन बना लेगा दोस्तों इधर आदमी के ऊपर प्रेशर नहीं होता है दोस्तों अगर आपके पीछे कोई बैट्समैन नहीं हो और आपके अकेले हो दोस्तों, आपके सारे जो बैट्समैन थे वो आउट हो चुके हो और आप बैटिंग के ऊपर खड़े हो और आपके पीछे कोई भी और बैट्समैन नहीं है दोस्तों, अगर आप आउट हो जाते हो तो आप मैच हार जाओगे दोस्तों। तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, आदमी को बैटिंग करते टाइम दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है दोस्तों यहाँ पर कि अब मैं क्या करूँगा और किस तरीके से करूंगा दोस्तों। प्रेशर की वजह से खेल नहीं पाता है दोस्तों बैट्समैन दोस्तों। प्रेशर से निकलने के लिए दोस्तों आपने क्या करना होगा, प्लान बनाना होगा दोस्तों आपने कि मुझे प्लान बनाना है और एक प्लान के ऊपर आपने मुताबिक आपने काम करना होगा दोस्तों प्लान आपने किस तरह बनाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों प्लान आपने किस तरह करना होगा। आपने ग्राउंड में देखना होगा कि कौन सी जगह पर खाली है, कौन सी जगह खाली है कि मैं वहाँ से गेंद को निकाल सकूँ दोस्तों और आपने क्या करना होगा, आपने बॉलर के ऊपर भी आपने फोकस रखना होगा दोस्तों कि बॉलर कौन सी साइड पे गेंद फेंक रहा है दोस्तों, कौन सी साइड से मेरी साइड से गेंद आ रही है दोस्तों आपकी तरफ अगर बॉलर जो है वो आपकी तरफ गेंद फेंक रहा है दोस्तों और आपने बॉलर के ऊपर फोकस रखा है दोस्तों और आपने जगह भी फिक्स कर ली है दोस्तों, आपने प्लान बनाया है कि मैं अभी इस साइड से शॉट मारूंगा, इस साइड से मैं गेंद को निकाल सकता हूँ दोस्तों आपने प्लान सारा मुकम्मल बना लिया है, आपने जेन में रख दिया है और आप इस तरह खड़े हो दोस्तों वहाँ से बॉलर ने गेंद फेंकी और आप शॉट मार लेते हो लेकिन वो प्लान के मुताबिक वो गेंद नहीं गई है दोस्तों, तो आपने दोबारा कोशिश करनी है दोस्तों, आप दोबारा से प्लान बनाओ दोस्तों और दोबारा से प्लान बना के आपने क्या करो, फिर से आपने बॉलर के ऊपर आपने फोकस रखना होगा कि बॉलर कौन सी साइड पर गेंद फेंक रहा है दोस्तों बॉलर जब गेंद फेंकेगा दोस्तों आपने उसी प्लान के मुताबिक शॉट मारनी होगी दोस्तों या चौका या छक्का हो जाएगा दोस्तों जब आप चौका या छक्का मार लोगे तो बॉलर जो है उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बॉलर जब बॉलिंग करेगा एक गेंद फेंकेगा तो आप शॉट मारोगे या चौका या छक्का हो जाएगा दोस्तों, आप अपनी प्लान के मुताबिक दोस्तों जब आप प्लान बनाओगे दोस्तों तभी तो आप शॉट मार पाओगे, तभी तो आप छक्का मार पाओगे दोस्तों अगर आप प्लान नहीं बनाते हो तो उस टाइम आप के ऊपर क्या होता है प्रेशर आ जाता है दोस्तों। क्यों आता है दोस्तों, क्योंकि आपने प्लान नहीं बनाया है दोस्तों, जब आप प्लान बनाओगे तभी तो आप शॉट मार पाओगे दोस्तों, तभी तो आप प्लान के ऊपर काम कर पाओगे दोस्तों अगर आप प्लान नहीं बनाते हो आप इस तरह खड़ो आप के ऊपर प्रेशर आता है कि अब मैं कौन सी साइड पर शॉट मारूँ दोस्तों, उस टाइम आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है दोस्तों, तो आपने क्या करना, आपने बॉलर के ऊपर फोकस रखना होगा दोस्तों, वहाँ पे आपने ज़्यादातर बॉलर के ऊपर फोकस और ग्राउंड में देखना होगा कि मुझे कौन सी साइड से गेंद निकालनी है दोस्तों और आपने ग्राउंड में फोकस रख दिया दोस्तों, आपने बॉलर के ऊपर भी आपने फोकस रख दिया कि अब मुझे इस साइड से भी शॉट मारी, आपने शॉट मारा बॉलर जो है उसके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर आ गया दोस्तों, फिर हमने तो बॉलर के ऊपर प्रेशर डाला था उसके बाद दोस्तों हमने बॉलर के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर डाला दोस्तों, तो बॉलर क्या हुआ दोस्तों, थोड़ा सा वो बॉलर जो है वो घबरा जाएगा दोस्तों, उसके ऊपर और भी परेशानी आ गई तो अब सोच रहेगा और सोचते रहेगा कि अब मैं इस साइड से गेंद फेंकूंगा तो ये इस साइड से भी उठा लेगा, अगर मैं इस साइड पे फेंकूंगा तो ये इस साइड से भी उठा लेगा, तो उसमें क्या हुआ दोस्तों वो बॉलर जो है उसके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा दोस्तों और वो उस प्रेशर में जाके वो उल्टी सीधी गेंद करने लगेगा दोस्तों, वो जब गेंद करेगा और तो उधर आप क्या करोगे दोस्तों, और जब गेंद करेगा दोस्तों वो जो प्रेशर में आ जाएगा और वो जब गेंद करेगा दोस्तों उस मौके का फ़ायदा उठा के आप फिर गेंद को उठा सकते हो दोस्तों और उधर आप मैच भी जीत सकते हो दोस्तों, क्यों दोस्तों आपने मौके का फ़ायदा उठाया दोस्तों, क्यों दोस्तों आपने पहले बॉलर के ऊपर प्रेशर डाला दोस्तों, पहले तो आपके ऊपर प्रेशर था दोस्तों क्योंकि ना पीछे आपके पीछे ना कोई विकेट थी ना कोई बैट्समैन था कि आप आ जाए और आपके आगे रन बनाए दोस्तों, आप अगर खेलो तो पीछे कोई एक बैट्समैन है ना आपके लिए कुछ टेंशन तो नहीं थी दोस्तों, लेकिन अगर बैट्समैन नहीं है पीछे तो आपके ऊपर बॉलर ने टेंशन डाला था, पहले आपके ऊपर प्रेशर बॉलर ने डाला था दोस्तों, उसके बाद आपने क्या किया दोस्तों, आपने ये किया कि आपने बॉलर के ऊपर प्रेशर डाला क्योंकि बॉलर के ऊपर आपने एक शॉट मारा बॉलर थोड़ा सा प्रेशर में गया, दूसरी शॉट मारा बॉलर और भी प्रेशर में गया, क्यों प्रेशर में गया दोस्तों, क्योंकि आपने एक प्लान बनाया था दोस्तों अगर आप प्लान नहीं बनाते तो आप बॉलर के ऊपर जो प्रेशर है वो नहीं डाल सकते थे दोस्तों, क्यों दोस्तों यहाँ पे दोस्तों एक बात और
जो फास्ट बॉलर होता है दोस्तों उसके ऊपर तो आदमी शॉट मार लेता है दोस्तों, लेकिन जो स्पिनर बॉलर होता है दोस्तों उधर आदमी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि यार दोस्तों जब फास्ट बॉलर आ जाता है दोस्तों, फास्ट बॉलर गेंद कर लेता है तो उधर आदमी के ऊपर थोड़ा सा जब प्रेशर होता है तो फिर भी आदमी शॉट मार लेता है, क्योंकि वो फास्ट बॉलर है। क्योंकि जब आप गेंद को तेज़ी से बैट को आप जब तेज़ी से घुमा लोगे तो आप छक्का या चौका ज़रूर मार लोगे दोस्तों, लेकिन अगर स्पिनर बॉलर आ जाता है दोस्तों, स्पिनर बॉलर इससे दोस्तों वो गेंद को ज़्यादा घुमाता है दोस्तों, ज़्यादा स्पिन किसको कहते हैं दोस्तों, गेंद को ज़्यादा घुमाते हैं दोस्तों, या इस साइड पे या इस साइड पे इस साइड पे और गेंद को निकालते हैं और आपको आउट करने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहती है दोस्तों वहाँ पे। तो स्पिन बॉलर पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आपने किधर देना होगा दोस्तों, जब स्पिन बॉलर आपके सामने आ जाएगा दोस्तों, जब स्पिन बॉलर आपके सामने आ गए, स्पिन बॉलर जब गेंद करेगा ना दोस्तों, वहाँ पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान बॉलर के ऊपर देना होगा दोस्तों, कि स्पिन बॉलर जो स्पिन बॉलर है दोस्तों, अगर फास्ट बॉलर होता तो उधर सीधा गेंद देखता और तेज़ गेंद आता दोस्तों, क्योंकि दोस्तों फास्ट गेंद है, फास्ट गेंद इसलिए कहा जाता है दोस्तों, वहाँ पे बिल्कुल फास्ट गेंद आ जाता है दोस्तों, और फास्ट गेंद के आप जब तेज़ी से बैट को घुमा लोगे तो यकीन है बॉडी लाइन से गेंद बाहर हो जाएगी दोस्तों, लेकिन जब स्पिनर बॉलर आ जाता है दोस्तों वो टर्न हो जाता है दोस्तों, वो गेंद टर्न हो जाता है, यहाँ पे लगता है तो यहाँ पे आ जाता है दोस्त, अगर यहाँ पे लगता है तो इस साइड पे आ जाता है दोस्तों। तो इसलिए आपने क्या करना होगा दोस्तों, आपने बॉलर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आपने स्पिनर बॉलर के ऊपर आपने फोकस रखना होगा दोस्तों, और स्पिनर बॉलर जब आपके सामने आ जाता है दोस्तों तो वहाँ पर आपने अपने माइंड को जो है इधर आपने ज़्यादा चाल चलनी पड़ती है दोस्तों, क्यों दोस्तों, क्योंकि स्पिनर बॉलर दोस्तों आपने वहाँ पर इधर बॉडी के अंदर ज़्यादा आपने देखना होता है, क्या अगर वो गेंद इस साइड पे फेंक रहा है तो अगर मैं इस साइड से घुमा लूँ तो गेंद इस साइड पे टर्न हो रहा है ना, तो आप इस साइड से मार लें, वहाँ पे आपने स्पिनर बॉलर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, और कौन सी जगह पे खिलाड़ी नहीं खड़ा है दोस्तों, कि मैं वहाँ से गेंद को निकाल सकूँ दोस्तों, बॉडी लाइन के बाहर कर सकूँ दोस्तों, क्यों दोस्तों, जब आप बॉडी लाइन से बाहर कर लोगे दोस्तों आपकी जो रन है वो इंक्रीज हो जाएगी दोस्तों, अगर दोस्तों आप बॉडी लाइन के बाहर नहीं कर सकते हो दोस्तों, आपके जो रन है ना वो बढ़ते नहीं है दोस्तों, ना कम होता है दोस्तों, दोस्तों आप जब बॉडी लाइन से बाहर करोगे दोस्तों गेंद को तो आपके रन इंक्रीज होते जाएंगे दोस्तों, इसलिए आपने क्या करना होगा दोस्तों, बॉडी पर आपने ज़्यादा ख्याल रखना होगा दोस्तों, क्यों दोस्तों, बॉडी पर इसलिए आपने ज़्यादा ख्याल रखना होगा क्योंकि आपने रन बनाने पड़ते हैं दोस्तों, क्यों दोस्तों, आपने रन बनाने पड़ते हैं दोस्तों, रन किस लिए बनाने पड़ती है दोस्तों, मैच जीतने के लिए, और मैच आप कब जीतोगे दोस्तों, जब आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा दोस्तों, जब आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा तभी तो आप मैच जीत पाओगे दोस्तों। दोस्तों ये थी कुछ टिप्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया दोस्तों, अगर आप इन टिप्सों पर अमल करते हो तो आप प्रेशर से निकल के बैटिंग कर पाओगे दोस्तों, और आप मैच भी जीत पाओगे दोस्तों। अब दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पे दोस्तों अगर आप न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी दबाना, ताकि मेरे हर नए वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं वहाँ भी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। दोस्तों अगर आपको कोई फेवरेट बॉलर है तो उसका नाम भी कमेंट में बताएं, ताकि उसकी बॉलिंग एक्शन को भी आपको करके दिखाऊंगा और साथ ही साथ आपको सिखाऊंगा भी। दोस्तों अगर आपको कोई फेवरेट बैट्समैन है तो उसका नाम भी कमेंट में बताएं, ताकि उसकी बैटिंग एक्शन को भी आपको करके दिखाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।